सो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पॉलीएल शेयर के बारे में बात करेंगे। तो इस शेयर के यहाँ पे क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो हम देखते हैं कि इस शेयर में आगे जो है हमें कैसा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है और उसी के साथ कैसे इस शेयर के यहाँ पे रिजल्ट रहे हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत इस शेयर के टोटल इनकम से करते हैं। तो यहाँ पर जो शेयर की टोटल इनकम है वो ईयरली बेसिस में 295 थी, जो क्वार्टरली बेसिस में अब डिक्रीज होकर 119 हो गई है। आगे हम इस शेयर के यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो जो शेयर के यहाँ पे ईयरली बेसिस में एक्सपेंसेस थे वो 120 थे, जो बढ़कर अब 2662 हो गए हैं। यानी कि इस शेयर के यहाँ पे इनकम तो घटी है लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे ज़्यादा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आगे हम इस शेयर के जो है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो शेयर की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है हम देख सकते हैं वो 5.66 थी, जो बढ़कर अब 941 हो गई है। यानी कि इस शेयर की यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो बढ़ी है। इसी के साथ हम ये अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, तो पिछले साल वो 0.34 पैसे थी, जो अब क्वार्टरली बेसिस में बढ़कर 4.87 रुपये पैसे हो गई है। यानी कुछ हद तक हम कह सकते हैं रिजल्ट सही भी है और बेकार भी है। लेकिन अगर आप इस शेयर को यहाँ पे होल्ड करने की सोच रहे हैं तो अपने ओन रिस्क में यहाँ पे आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी होल्ड कर सकते हैं।